बच्चों आप लोग अक्सर देखते रहते हैं जैसे साइन चेंज साइन नो चेंज। कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि यहाँ पर प्लस है बराबर के इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पर देखो -2x बराबर 10 है, और यहाँ पर जब -2 बराबर की साइड गया तो ये माइनस ही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर -2 था तो माइनस ही रह गया, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो वही चीज़ आज आप लोग को हम बताने वाले हैं, पूरा डिस्कस करेंगे कि कब ये माइनस से प्लस होता है, कब प्लस से माइनस होता है, कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता है। तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जिनका एम वीक होगा, और वीक है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको 100% श्योर हो जाइए कि ये समझ में आज आने वाला है, आज के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है, ये सब हटा करके आपको हम बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए हम पहले एक इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 4, और एक इक्वेशन लेते हैं x माइनस 2 बराबर 4। पहले ये देखिए, एक प्लस वाला ली है, एक माइनस वाला ली है, इसके बाद हम एक गुना वाला लेंगे, एक भाग वाला लेंगे। यही चार चीज आप सीख जाएंगे तो आपका फिर ये साइन में प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आइए। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, तो आप लोग सभी लोग पढ़े हैं कि जब प्लस रहता है तो अब बराबर के इस साइड आता है तो क्या होता है, साइन को चेंज करते हैं। तो प्लस है बराबर के इस साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा, क्या करते हैं एक्स बराबर कर देते हैं, प्लस है ना इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो गया, यानी एक्स का जो वैल्यू हुआ वो 2 आ गया। सही है, अभी तक आपने ये पढ़ा और आपको पता भी होगा, ऐसा बात नहीं है क्योंकि आपको पढ़ रहे होंगे तो ये बात आपको पता होगा, आप ये गलती नहीं करते होंगे। आप गलती कहाँ करते हैं, गुना और भाग वाला। ठीक है, तो वही बात आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, ये बेसिक है, स्टार्टिंग में आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए x माइनस 2 बराबर 4 है, ये प्लस वाला तो साइन चेंज होगा पता है, माइनस वाला भी साइन चेंज होता है, तो x बराबर जब माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 6। लेकिन हम लोग को ये तो नहीं सीखना है ना, हम लोग को सीखना है गुना और भाग वाला। तो चलिए आप लोग को वो भी सिखाने की हम कोशिश करते हैं, आइए ना। तो चलिए वो भी सिखाने की हम कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को आज के बाद टेंशन खत्म। जैसे देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर दिया दे दिया मान लो कि एक्स माइनस 2x बराबर 11 ही दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक दे दिया कि माइनस 11 बटा, चाहे ऐसे कर दो, माइनस एक्स बटा 2 बराबर 4 बटा 3, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान देना, यहाँ पर देखो गुना में माइनस 2x बराबर 11, यानी x में ये 2 माइनस जो है ये क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, इंटू हो रहा है, ये माइनस 2x बराबर 11 है। ठीक है, तो जब हमें पता है कि कोई भी चीज़ बराबर के उस साइड जाता है तो साइन चेंज होता है, लेकिन कब चेंज होता है, जब जोड़ में हो और घटाव में हो, ये 2 चीज में रहता है, तो मेरे दोस्त बराबर के इस साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा, उल्टा कनेक्शन काम करता है, माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है, कब, यही 2 कंडीशन में, बाकी आपको कहीं भी ये कंडीशन काम नहीं करता है कि वो माइनस प्लस में हो जाए, प्लस माइनस में हो जाए, सिर्फ 2 जगह काम करता है, एक करता है जोड़ में, एक करता है घटाव में। अब ये गुना में है तो देखो यहाँ गुना में ये सब काम नहीं होता है, भागा में है तो भागा में सब काम नहीं होता है, बस आप इतना याद रख करके चलो, आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। जैसे हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि -2x बराबर 11 है, तो इस माइनस को अब इधर करेंगे तो क्या होगा, x = 11/-2 होगा। यहाँ पर देखो हमने चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि रूल कहता है, मैथमेटिक्स कहता है, गणित कहता है कि प्लस और माइनस 16 में सिर्फ चेंज होता है, अदरवाइज कहीं भी गुणा भागा में चेंज नहीं होता है।
और मैथ चार चीज से बना है, जोड़ घटाओ गुना भागा, बाकी और कुछ नहीं है, इसी से सारा मैथ बना है, इतना समझ लो। तो जोड़ और घटाओ में साइन चेंज होगा, गुना भागा में साइन चेंज नहीं होगा। अभी आपको हमने दिखाया x का वैल्यू आ गया इतना, यदि यहाँ प्लस है तो प्लस ही, माइनस है तो माइनस ही। अब इसको सॉल्व करना हो, देखो ये बाटा में माइनस में है तो क्या चेंज हो जाएगा, इधर जाएगा तो होगा चेंज। देखो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना पड़ेगा, तो थ्री से और माइनस एक्स ले करेंगे, माइनस थ्री एक्स और चार दूनी की आठ, देखो माइनस थ्री एक्स एक गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आठ बटा प्लस तीन, प्लस तीन होगा, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये गुना में है तो माइनस ही रहेगा। और जो माइनस ग्यारह बटा माइनस टू यहाँ लिख रहे हो, यहाँ नहीं लिख रहे, कहाँ लिखा जाता है माइनस ग्यारह बटा दो, ये ऊपर में चला जाता है और इस तरह से लिखा जाता है। आठ बटा माइनस तीन है ना, इसको आंसर में माइनस आठ बटा तीन लिखने का हक है। ठीक है, आई होप कि आप लोग के बात समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा नॉलेज था आपको, हमको शेयर करने की चाह थी, आप लोग गलत करते हो, इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोग को बताया जाए कि आज के बाद आप लोग कोई भी मैथ, बड़े बड़े मैथ बनाते हो आप लोग, उसमें गलती कर तो छोटी सी चीज़ के लिए आपका नंबर कट जाता है। हमारा प्रयास है कि आप लोग को छोटी छोटी गलत नहीं होना चाहिए, और हमारा कोई मतलब नहीं था बताने का। ठीक है, आई होप कि आप लोग को आज समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और 5 दोस्त के शेयर, आपके मर्जी के अनुसार, यदि करने का मन हो तो करिए, नहीं तो डिसलाइक, मारने का मन हो डिसलाइक भी कर दीजिए, लेकिन मेरे को पता है आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, गुड बाय, लव यू।